चैनल इंडियन ब्लॉगरा किचन टू ब्यूटी विद लाइफस्टाइल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। नमस्कार। आज का जी जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ये वीडियो है, थोड़ा सा हेल्थ के अनुसार हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद रहे वो मैं वीडियो लेके आई हूँ। अभी क्या मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये रोज हिप के बारे में बता रही हूँ मैं। जो गुलाब की डंठल होती है, रोज हिप मीन्स गुलाब की डंठल, उसके बारे में बताने जा रही हूँ आपको। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हेल्पफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो इवन मैंने पहले ये हमने रिसीव किया है, मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया है और इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ पे ये देख लीजिए, एक डिब्बी हमने फिनिश कर चुके हैं, ये हम नई डिब्बी मंगवाई है हमने। इसका प्रोडक्ट रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको पूरा उसका मैंने प्रोडक्ट रिव्यू दिया हुआ है। अभी मैं इसके थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ आपको कि ये किस लिए काम आता है और अच्छा रहता है हमारी सेहत। ये देखिए जी, ये इस टाइप से आता है, हेल्थी है ये ब्रांड है, ये इस टाइप से, ये देखिए सेम है। ये मैंने आपको बताया कि हम एक डिब्बी पहले यूज कर चुके हैं, ये देखिए ये हम यूज़ कर चुके हैं पहले, ये हमने सेकंड प्रोडक्ट मंगवाया, ये फर्स्ट हम यूज़ कर चुके हैं। इस टाइप से इसका पैकेजिंग आता है और 500 mg की इसकी टेबलेट्स हैं। मैं सिर्फ बेनिफिट्स बता रही हूँ आज आपको, सिर्फ इसमें क्या रहता है और आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि जब भी ब्यूटी और हेल्थ की बात आती है ना, तो गुलाब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। चाहे गुलाब की गुलकंद हो, और गुलाब की क्रीम्स हो, गुलाब के कंडीशनर हो, या गुलाब के पाउडर हो, गुलाब का तेल हो, और गुलाब की चाय हो, हर बार गुलाब जल तो हम बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं। गुलाब की पत्ती रहते हैं, अगर आप पानी में डालते हैं तो आप का घर महक जाता है, आप खुद महक जाते हैं। इवन थोड़े से बर्तन में डाल के आप गुलाब की पत्तियां छोड़ दें कमरे में तो आपका कमरा महक जाता है। इसके डिओड्रेंट्स भी आते हैं, एयर फ्रेशनर्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है गुलाब का। लेकिन बेसिकली हम गुलाब की बात नहीं करें, गुलाब की डंडियों की बात कर रहे हैं जिसे रोज़ हिप बोलते हैं, ठीक है जी, उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। गुलाब का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है, इसका इस्तेमाल करते हैं आपकी डेली लाइफ में तो आपका इसका लॉन्ग लाइफ तक आपको बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। मैं बताऊं इसको कि जो अपना हार्ट होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया है कि अगर आप रोज़ हिप टी, इनकी टी बना के पीते हैं ना, जैसे थोड़ा सा आपने 100 ml पानी ले लिया, थोड़े से रोज़ हिप डाल दिए 5-6, और उसको थोड़ा सा बॉईल करके अगर आप रोज़ हिप की टी अब पीते हैं ना, तो आपकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं आपके हार्ट के रिलेटेड, अगर सांस थोड़ी कम आती है, कुछ हार्ट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो रोज़ हिप होता है, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है डंठलों की अगर आप चाय पीते हैं। और ये जो होते हैं संक्रमण से बचाते हैं, जो संक्रमण होता है ना आपके शरीर में हो जाता है, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जैसे भी किसी तरीके का भी संक्रमण हो, अगर आप गुलाब के डंठल की चाय पीते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी तो आपको पता है कि डेली रूटीन में हम विटामिन सी की टेबलेट्स भी लेते हैं या ऑरेंजेस वगैरह भी खाते हैं, वैसे इसमें भी नेचुरल विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। आगे मैं बताऊं आपको, जैसे कि अगर सबसे बेहतरीन जो हमने मंगवाया है, हमने आर्थराइटिस के लिए मंगवाया है। जो मेरे मदर इन लॉ हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घुटनों वगैरह में, तो उनके लिए हमने मंगवाया था ये वाला, उनको बेनिफिट रहा। पहले एक डिब्बी लेके आए तो उनको बहुत फ़ायदेमंद रहा और इसलिए हमें सेकंड भी मंगवाई। उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट मिला हुआ है। उनको भी किसी डॉक्टर्स ने लिख के ही दिया था, रिकमेंड करा था डॉक्टर्स ने, देन ही हमने ये रोज़ एक्सट्रैक्ट है बेसिकली, ये ऑयल भी आता है लेकिन ये एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। जैसे कि सूजन व दर्द में ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेनिफिट रहता है, सूजन को दर्द को दूर करता है अगर आप इसको लेते हैं।
और ये कैप्सूल फॉर्म में है तो इजी रहता है कि चाय वगैरह नहीं बनती है या आपको डंठल नहीं मिलते हैं, तो ये इजी इसका एक लेने का तरीका है कि आप एक टेबलेट या कैप्सूल्स ले लें तो इजी रहता है। इसमें जो रोजहिप होता है ना, इसमें ग्लैक्टोलिपिड एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ना ये आपकी सूजन और अर्थराइटिस में जैसी समस्याएं होती हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत कम कर देता है। ये जो कंपाउंड होता है ये बहुत बेनिफिट रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको बहुत कम हो जाती है अगर आप डेली अपनी यूजेस में लाते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप लेते हैं इसको तो। और स्पेशली मैं बता रही हूँ, हमने अर्थराइटिस के लिए ही मंगवाया है अभी फ़िलहाल, बेनिफिट है इसका। एंटी एजिंग, ये तो बहुत सही रहता है एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि एंटी इसमें मैं बता रही हूँ आपको, नेचुरल विटामिन सी पाया जाता है जो कि एंटी एजिंग है, और इससे क्या हमारे चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह भी कम करता है, टाइटनिंग भी लाता है आपके चेहरे पे, आपकी स्किन में ग्लो बहुत अच्छा करता है। वैसे अगर रोजी पर पाउडर्स, वैसे भी खुले रोजी पाउडर्स भी मिलते हैं, अगर अपने बालों में पैक लगाते हैं तो आप बालों में उसको, जैसे मेहंदी घोली उसमें आपने थोड़ा सा निकाल के अगर घोल के पाउडर आप बालों में भी लगा लेते हैं ना, तो बाल भी आपके शाइनिंग करते हैं। ये नहीं है कि आप इसको खाएं, या आप इसको लगा भी सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ का भी एक मैंने इसका पढ़ा था कहीं, मैं नेट से ही ये सर्च करके बता रही हूँ मैं सारा आपको, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। कह रहे थे इसमें नेट में मैंने पढ़ा था कि आप कभी कभी जैसे थोड़ा डायबिटीज़ के, जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, अपनी मेडिसिन तो वो जारी रखें, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पाउडर को या इस कैप्सूल्स को आप लेना शुरू कर देते ना तो उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिलती है, मतलब थोड़ा बैलेंस होने लग जाता है आपका, डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये, और इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो आपके इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं। आजकल जैसे कोरोना भी चल रहा है, वैसे बीमारियां बहुत हो रही हैं, और इतनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और टेंशन्स बढ़ी रहती हैं। आजकल तो नौकरियों का भी झंझट हुआ पड़ा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। कोरोना ने तो मतलब बहुत ही बुरा हाल कर दिया है सबकी लाइफ का, हम सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर वो ये इम्यूनिटी प्यास हम क्या बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कुछ अच्छा खाएं, एनवायरनमेंट अच्छा रखें, फ्रेश खाना खाएं, हेल्थ के लिए फ्रूट्स का सेवन करें, तो उसके लिए ये भी एक रामबाण चीज़ है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा कर देता है ये आपका। ये थोड़ा बहुत आपको बताने जा रही थी जिससे आपको बेनिफिट मिले, अच्छा रहे आपकी लाइफ में। इसका उपयोग करते हैं तो हम इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो हमने सोचा मैं एक छोटा सा वीडियो बना के, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँ, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। सिंपल मेरा ये बताने का था कि रोज़हिप पाउडर के बेनिफिट्स क्या हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आप इसका फेस पैक भी लगा सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ अभी आपको, इसमें अभी तो हमें ओपन ही इस टाइप से कैप्सूल्स आते हैं, ये देखिए इस टाइप से कैप्सूल्स आएंगे। ये जो हमने डिब्बी एक फिनिश करी है ना, अभी थोड़े बचे हैं इसके कैप्सूल, लेकिन हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ये देखिए इस टाइप से कैप्सूल्स आते हैं, और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, सिंपल से इस टाइप से कैप्सूल्स है। ये देखिए, अगर को अभी मैंने ना थोड़ा टाइम पहले क्रीम भी बनाई थी इसी की, रोज़हिप पाउडर को मैंने क्या क्रीम बनाई है, वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी उसकी, तो मैंने इसको थोड़ा सा कूट के उसमें मिक्स कर दिया, तो ये आपके चेहरे का पैक बन जाता है इस टाइप से। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल पास से, इस टाइप्स का कैप्सूल्स आता है, और बिल्कुल इसमें आप स्मेल करोगे ना, आपकी खुशबू आएगी रोज़हिप की, मतलब जो गुलाब का हल्का सा इसमें से आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो इस टाइप से ये कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है जी। और आप अगर बालों में लगाना है तो, अगर आप पाउडर अलग से नहीं मंगाते हैं तो एक दो कैप्सूल आप आराम से मिक्स करके ऑयल में भी, बालों में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है, मेहंदी वगैरह में अच्छे से मिक्स हो जाता है, ऑयल में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको फेंटना पड़ेगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ करिए इसको लिटरली। मैं आपको, मेरे को ये होता है कि जो हम चीज़ें अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, इस टाइप से कैप्सूल्स आते हैं। थोड़े 5-6 बचे थे, लेकिन हमने नया, मेरे हस्बैंड ने नए ऑर्डर कर दिए। बस यही मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया है, किसी को लाइक भी करते हैं, कई लोग डिसलाइक भी कर देते हैं, लेकिन ठीक है, सबकी भावनाओं के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर डिसलाइक करते हैं तो डीमोटिवेशन हो जाता है। हम सब लोग यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेरे तो अभी कुछ छोटे छोटे वीडियो ही होते हैं, कई तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, डिसलाइक मिल जाता है तो बड़ा होता है यार, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ऐसे नहीं है कि आपने उठा के सिंपल वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होता है, बाकी आपकी अप टू यू है कि आपको कैसा रहता है रिव्यू। तो इसमें मैं बता दिया है आपको, हेल्थी है, रोज एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी।
ये है पोर्टल। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, इस पर टाइम स्पेंड करने के लिए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ले सकते हैं। मैंने अमेजोन से लिया है और मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे फ्लिपकार्ट पे हर जगह ही आपको ऑनलाइन बहुत जगह पड़ा है रोज़, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मंगवाते हैं। मैंने ये मंगवाया, हमें अच्छा लगा, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को और कोई ब्रांड भी पता हो जो अच्छा हो, वो हमें रिकमेंड कर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम वो भी परचेज कर लेंगे। बाकी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।